हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रजनी 007 मैथ्स ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड, आज का पजल ट्रिक्स नंबर 557। चलिए देखते क्या है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड, आज का पजल है, कैन यू सिंप्लीफाई दिस विद इन 10 सेकेंड, कैलकुलेट विदाउट कैलकुलेटर। अगेन फ्रेंड, नाइस एंड ट्रिकी ओलंपियाड क्वेश्चन है। तो आप ये वीडियो को वॉच करके एक ट्राई जरूर कीजिए और आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हो फ्रेंड, अब तक आपने ट्राई कर लेंगे अपने कमेंट और फीडबैक शेयर कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसका सॉल्यूशन देखें और देखें कैसे इसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे। हे फ्रेंड्स, ये आज का पजल है, हमें सॉल्व करना है इसे विद इन 10 सेकेंड और कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड, इतने बिग बिग नंबर देख के आप कन्फ्यूज मत होइएगा। जरा सा आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि 29 के टेबल में 145 आता है 5 में, राइट? तो ये क्या हो गया, ये सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये कट जाएगा आपका 5 से, तो ये आ गया 1/1/5 का पावर n। और राइट हैंड साइड में 1296, ये आपका है 6 का पावर 4 और नीचे है 5 का पावर 4। तो 5 का पावर 4 का वैल्यू है 625, 6 का पावर 4 का वैल्यू होता है 1296। तो बस फ्रेंड, अब ये इजिली सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। इसे फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, 5+1 6/5 का पावर n इक्वल टू 6/5 का पावर 4। अब यहाँ पे बेस हो गया सेम, तो पावर क्या हो जाएंगे इक्वल, तो यहाँ से हमें मिल गया फ्रेंड n इक्वल टू 4। तो n इक्वल टू 4 होगा राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से फ्रेंड इसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, अगेन इसी तरह के फेमस मजेदार ट्रिकी पजल विद सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट पजल। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।